लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। A cricketer will always get an opportunity if he fails in one innings. If something goes wrong, he has another match. But for our jawans, if something goes wrong, there is no second chance. I salute all the jawans who are the real heroes of our land. My gratitude to all the soldiers who stand tall for our protection. I salute the guardians of peace, the heroes of India. Asli hero wo hai जो सीमा पे खड़े हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। Yes, sir. Thank you, Captain. Good night, sir. Major. Captain? कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहना था. You are one of the best. Thank you. मैं राह देख रही थी। वेलकम होम। हमको तो है पूरा यकीन, हम जैसा कोई नहीं। हमको तो है पूरा यकीन, हम जैसा कोई नहीं। हम जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लागल कर जीवा में तीर ऐसन। गुड मॉर्निंग मसाला डोसा साहब। गुड मॉर्निंग साहब। शट अप, तुम दूध बेचते हो पानी? कल रात को डिनर के बाद मैं तुम्हारा दूध पिया, ऐसा लगता है दूध नहीं गंगा पानी है। ये सब तो ऊपर वालन का देन है साहब, गंगा मैया की जय हो। भाई शट अप, क्या बात करता है? क्या बताई साहब, अब वो जमाना कहाँ रहा साहब? कहाँ वो राम, कहाँ वो राम राज, और कहाँ वो सीता मैया, और कहाँ अन्नपूर्णा जैसी काम धेनु गाय। आज के रात में इससे बढ़िया दूध और का मिलेगा साहब? रास्कल, रेवोल्यूशन, विप्लवम, हस्तला रेवोल्यू।
What a lovely morning. Sorry. Oh, damn. बोला फट गया ना नया खरीदा था यार खैर जा रहे थे कम ऑन या अंकल ये तो टेनिस बॉल है फिर भी आप इतना दूर इतना जोर से बॉल करता है गिरीश कहीं पाई ना हो जाए कि बेटा रेडी आंटी थोड़ा सा और फाइन थोड़ा सा फाइन ए आंटी मत बोल वैसे भी इंडियन टीम से ज्यादा अच्छा तो मैं ही खेल लेती हूँ ओके ओके ठीक है क्या यार ठीक से फील्ड भी सेट नहीं कर पाया हूँ गिरीश गिरीश रुक 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 एक मिनट बॉल इधर ला ए ये थूकूक लगाना मुझे नहीं पसंद स्विंग करता है अब डाल जोर से ये वाह वाह मेरे टेनिस लिली वाह बोल ये भांगे नो बॉल अरे एक हाथ निकाल के नो बॉल तो बोल दोनों हाथ नहीं मेरी माँ भाई नहीं नो बॉल अब मेरी बेटी अरे देखो अरे देखो अरे भाई अरे देखो भाई क्या अरे मेरी बेटी वाइट नहीं वाइट नहीं कैसे हो सकता आंटी आंटी वाइट नहीं है वो आउट नहीं हो सकते वो आउट नहीं हो सकते वाइट नहीं है जी राघव कभी फर्स्ट बॉल पे आउट नहीं हो सकते लो जी कल ही तो वापस आए हैं फ्रंट से वो वापस कैसे आउट हो सकते फ्रंट की बात और है आंटी इज आउट है इज आउट बॉल पे आउट है अभी मेरी बैटिंग क्या कहा आपने क्या मैंने मैंने क्या कहा मैंने कहा आउट वाइट कैसे हो सकता आंटी इज आउट आप जरा चलिए मेरे साथ आप जरा चलिए मेरे साथ भाभी जी आप आइए मैंने क्या हटो यहां से चलो आइए आप जरा बताओ ना इनको ए ए भाभी कहां ले जा रही हैं आप हरि ना आइए अरे आंटी चलिए चलिए वाइट ही सही क्या मतलब भाभी रंगा जी ने मुझे आंटी कहा क्या मैं इतनी बुढ़ी लगती हूं आई एम सॉरी मैच के हिट में मुझसे गिर गया अरे रीना रंगा जी की बातों का क्या बुरा मानना कभी कभी वो अपनी बीवी को भाभी पुकारते वो तो ठीक है लेकिन आंटी रंगा जी सॉरी बोलिए आई एम सॉरी हाँ वेरी सॉरी आई ऐसा नहीं बोलूंगा हाँ चलिए आंटी अरे यार बोला कैसे हो सकता है दो बॉल था गलती से वाइड बोल दी और तुम लोग जबरदस्ती रीना ये गलत बात है यार खाली विकेट कीपर बना के रख दिया आप मेरी बैटिंग अरे मेरी बैटिंग है कमाल है नो कम ऑन ओके एक सेकंड ओके कम ऑन व्हाट आर यू डूइंग डैडी अब दिखाता हूं गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब क्या हुआ आप यहाँ पर अकेले मैं राघव के सामने देश का डाउनफॉल देख रहा हूँ आपने ऑफलेट अपने चश्मे का नंबर चेक किया है क्या जोक्स मजाक मैं अकेला है ना मेरा फैमिली नहीं है शादी नहीं हुआ है इसके लिए सब लोग मजाक अरे नहीं रे हम तुम्हारी सेहत का ख्याल कर रहे हैं जिस देश में खेल 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 क्रिकेट बैट बॉल इसमें सब टाइम वेस्ट करता है उस देश में मजा करेगा ना मैं अरे जाने दो सेक्रेटरी साहब सब बच्चे हैं नहीं 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 ये सब ओपियम पिलाया जा रहा है क्रिकेट काफी पिलाया जा रहा है एज अ स्टेट पॉलिसी एक्सक्यूज मी मुझे जाना है मुझे विप्लवम लाना है क्या लाना है रेवोल्यूशन लाना है ओ हो लाइए लाइए आप लाइए ये सब हटाना है मुझे ये सब एक दिन हटा दूंगा ओपियम हटा दूंगा देश को बचाऊंगा हस्त लविस्ता रेवोल्यूशन सिंप्योर यू अंडरस्टैंड देशपांडे डजंट अंडरस्टैंड Oh, no. अब क्या होगा रे उफ, ये कैसा गेम है परेशान हूँ मैं मुझसे और सहा नहीं जाता हुआ है पूरा दाल भी झूठा क्रिकेट 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 तंग करके रखे हैं ये सब ऐसा ही बड़ा हुआ गावस्कर राहुल द्रविड़ टेंडुलकर ऐसा
ऐसा ही पड़ा हुआ गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर ऐसा ही पड़ा हुआ गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर हमको भी तो दिखाना है एक विनिंग टीम लाना है सिर्फ एक दीवार ही तो टूटा थोड़ा सा दाल ही हुआ जूटा कैसे जीतेगा इंडिया वर्ल्ड कप समझते ही नहीं है सब यह गप का देश क्रिकेट देश का गप और यह गप का देश क्रिकेट देश का गप टंगड़ी भी नहीं हिलाते हम सिर्फ पक 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 और पक 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 कैसे बने हम गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर कैसे बने हम गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर करना है हमें प्रैक्टिस थोड़ा दैट थोड़ा दिस खेल 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 अब तो वॉइस सुधर जाओ महात्मा सुभाष को ना शर्माओ समाज का सोचो सबका हित जन कल्याण में मन न लगाओ रास्कल्स नॉनसेंस यूज़लेस वेस्ट ऑफ टाइम स्टॉप इट देश के लिए ही गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर देश के लिए ही गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर थोड़ा सा आप समझिए भी क्रिकेट अपना दुनिया है अखिल जी क्रिकेट ही तो है देश का फेविकॉल We are one and we are all cricket lovers and divana bat aur ball ka ye zamana ganna hota cricket yahan suna suna hota jahan biwi ke taane dikhar hindi gaane paise ka bol takleef roz roz gaadi ka EMI bachcho ka fees भी देते हो तुम ताने कैसे जिएंगे हम बिन सपने चाहिए एक और गावस्कर राहुल द्रविड़ तेंदुलकर 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 सुहागरात में लोग क्या बातें करते ये मुझे कभी समझ में नहीं आया सुहागरात सुहाग के लिए होता है जो तुमने मुझे वॉर गेम्स और स्ट्रेटजी समझाने में बिता दी सॉरी यार पर मुझे लगा कि सुहाग के लिए तो पूरी जिंदगी बाकी है ना और युद्ध हाँ युद्ध जैसी अहम चीज माय डार्लिंग सुहागरात पर ही क्लियर हो सकती है देखो तुम मुझे फिर डाइवर्ट कर रहे हो हाथ हटाओ मैं तो तुमसे कुछ कह ही नहीं पाई स्टॉप इट सुनो ना प्लीज
बोलो ना। मुझे तुम्हारा ये आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आता जाता हूँ इसीलिए तो हमारा प्यार अभी तक ताजा है, वरना कब का बर्फ बन गया होता। तुम्हें मेरा प्यार अच्छा नहीं लगता? नहीं 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 ओए क्यों चाहिए टीवी क्यों? वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। ओए कौन सा वर्ल्ड और कौन सा कप? क्रिकेट और कौन सा वर्ल्ड? अच्छा वो लाल गेंद जिसे पहले बल्ले से मारते हैं फिर उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं। अरे कमबख्त मेरी तरह एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज। मुझे नहीं करना उठक बैठक। बेटा मैं भी स्पोर्ट्स लवर हूँ, जब मैं तेरी उम्र का था तो हाथी से भी कुश्ती लड़ सकता था। हाँ अब भी ताकत है, ये देख। हाथ दबा के देख जरा, देख। मुझे नहीं दबाना। अरे स्पोर्ट्स के नाम पे अंडा, बस सारा दिन टीवी के सामने बैठकर ताली बजाना। अरे जाओ जाओ 2 मील दौड़ कराओ और 501 बार उठक बैठक करो, देखो कैसा लगता है तंदुरुस्त। मतलब आप टीवी नहीं लाके देंगे? अरे मेरे बाप क्रिकेट का इतना शौक है तो मैदान में जाके खेल, अपने चूटी जैसे शरीर को धूप लगा, टीवी के सामने बैठकर ताली मत बजा। ओहो पता नहीं कौन से देश में पैदा हो गया हूँ मैं। अरे भोला क्यों अपने पापा जी को तंग कर रहा है? चल चल चल। अरे चल, कितना शोएब अख्तर आया कितना शोएब अख्तर गया। क्या देशपांडे अंकल आप क्या बोलते हैं? अबे अंकल मत बोल रहे, भैया बोल, बड़े भैया बोल चाहिए तो। अरे अंकल साला मुंबई में ना इंग्लिश का एकदम आदत पड़ जाता है, साला एकदम हैबिट। क्योंकि भाई लोग कट गया यार। अरे अंकल जी अब आप दाढ़ी बनाते बनाते मुंडी घुमाएंगे आउट सिंगर जैसा तो कटेगा नहीं, तो और क्या होगा? ठीक है जो भी हो भाई लोग, हमने तो 500 रुपया इंडिया पे लगा दिया और 100 रुपया सिद्धि विनायक जी को पूजा चढ़ा दिया। खून निकल रहा है यार। अरे अंकल जी अभी बंद किए देता हूँ। क्या ये? आप चिंता मत कीजिए रिजल्ट देखेगा। बस, बस 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 हो गया बस। जल्दी दाढ़ी बना यार। अरे आइए आइए मेजर साहब। क्या हाल? रवि मेजर साहब को धुला हुआ टॉवल देना। यहाँ पे साफ धुला हुआ मतलब पिछले साल धोया हुआ। इसीलिए शेव मारने का 8 रुपए लेते हैं, 80 नहीं। ए, काटना नहीं। और मेजर साहब क्या चल रहा है फ्रंट पे? सुना आजकल पाकिस्तान के पिछवाड़े बहुत खुजली मच रही है। अब उसका पिछवाड़ा वही जाने। लेकिन मेजर साहब एक ये बताइए वर्ल्ड कप पे किस पे पैसा लगा रहे हैं? चल चल। पैसा? अरे नहीं भाई, पर अपनी गुड विशेस इंडिया पर जरूर लगाऊंगा। साला हमारा सारा जोश मोहल्ले के सिर्फ सैलून तक ही चलता है। मेजर साहब मैं तो बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया का स्टीव वाह 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 वाह। जम्मू में बुधवार शाम से 11 लोग आतंकवाद संबंधित घटनाओं में मारे गए हैं, इनमें से 3 पाकिस्तानी आतंकवादी भी हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सेना ने एक आतंकवादी अड्डे पर हमला किया है। रोजमर्रा लोग मर रहे हैं देश में, क्यों राघव? सेना ने भारी मात्रा में। एक सेकंड बेबी, स्पोर्ट्स सेक्शन जरा शुरू हो रहा है। अब खेल समाचार। इंग्लैंड वर्ल्ड कप में कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दक्षिण अफ्रीका अपने पिछले 76 मैचों में। एक सेकंड बेबी, क्रिकेट की खबरें आ रही है, एक सेकंड। गेंदबाजी का भार जवाब देना। अरे खाते खाते टीवी देखना आंख और पेट दोनों के लिए खराब है। जी हाँ, और आप पराठे खिलाते रहेंगी तो पेट तो अपने आप ही फुटबॉल बन जाएगा, है ना? अच्छा, और रोज शाम को जो एक बाल्टी भरकर बियर पी जाते उसका क्या? अरे यार ये लो, प्लीज प्लीज प्लीज, और नहीं प्लीज। एक और खा लो ना, 2 घंटे से पालो के परौठे बना रही यार। ये अच्छी जबरदस्ती है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग है भाई। खा लो ना प्लीज। ठीक है डालो, जितने डालने डालो। अरे सुब्बू तुम कुछ भी कहो, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में सिर्फ 5 चीज बिकती हैं। सिर्फ 5? 6 भी नहीं। नहीं, ओनली 5। पहला तो क्रिकेट। क्रिकेट नहीं, क्या बात करता है? बात तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं स्वदेश जी, क्रिकेट जैसा। राजा के सर पे ताज। हाँ, क्या? हाँ, हाँ। और जैसे जैसे क्या बताऊं? माँ का प्यार। बिल्कुल सही कहा तुमने, माँ का प्यार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिकता है क्रिकेट। नो नो नो, आई डोंट एग्री। आई आल्सो आई एग्री। कंटिन्यू।
और उसके बाद हिंदी सिनेमा। क्यों सरदार जी? हिंदुस्तान के किसी भी गांव के किसी भी कोने में जाइए, एक सिनेमा हॉल तो जरूर मिलेगा। और अगर आपकी तकदीर खराब हो तो वहाँ एक मिथुनदा की फिल्म जरूर चल रही होगी। सही कहा तुमने। अरे यार, और उसके बाद पॉलिटिक्स। हाँ यार, सूरज की रोशनी की तरह इन पॉलिटिशियन की करतूतें भी हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। और क्या, सुबह सुबह किस नेता ने किस नेता को गाली दी, किसने कितनी चोरी की, इसके सिवा तो निकलता ही नहीं है। कि क्या? अखबार। ओ हाँ। अच्छा भाई, तीन तो हो गए, क्रिकेट, हिंदी सिनेमा और पॉलिटिक्स। और क्या क्या बिकता है हिंदुस्तान में? भगवान। वाह। यस, हर रास्ते के हर मोड़ पे हर भिखारी भगवान का ही वास्ता देता है ना पैसे निकालने के लिए। ये रिलीजियस पीपल स्वदेशी। यस, इसीलिए दुनिया में और कहीं भी भगवान के नाम पर इतना पैसा नहीं लूटा जाता और कोई देता भी नहीं। अच्छा स्वदेशी, और क्या बिकता है हिंदुस्तान में? और सेक्स। सेक्स? मालूम है हम मुंह से इतना पानी क्यों निकालते सेक्स के नाम पर? क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो चीज हमसे ठीक से होती ही नहीं। और अगर होती तो क्यों परवाह करते? अरे देखते भी नहीं। देखा, विदेश में पानी की तरह पी जाते हैं। अरे जो जिसकी कमजोरी वो उसी पे मरता है, सेक्स हो या क्रिकेट। वो बंडल सैलरी का देना, पच्चीस में दे दे। मैडम क्या बात है तुम्हारा, चल 25 में दे दे। मीना मार्केट में? अरे भाभी जी हाँ, वो सूप के लिए थोड़ी सैलरी लेनी थी। राघव टैक्सी में वेट कर रहे हैं, इससे जल्दी में हूँ, उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं आज। अच्छा मैं चलती हूँ भाभी। ए बीना, हाँ देखना वो कितनी लकी है ना, सैलरी का सूप पीती है, शॉपिंग भी करती है, नहीं तो हमारे वो और नहीं तो क्या, संडे के संडे गार्डन में बैठ के झक मारते हैं। वही भाव है, लेना है तो ले, नहीं तो आगे वो दे दे। शूटिंग है? शूटिंग? अरे जल्दी करो, दुकान बंद करने की है, वो भी शूटिंग होना रहा है। शूटिंग? शूटिंग? अरे चल चल दीदी, शूटिंग चलो चलो घर चलते हैं दीदी, शूटिंग चलो चलो। अरे नवीन भाभी आपने सुना? हाँ हाँ, शूटिंग होने वाली है। दिन दहाड़े इस देश में क्या हो रहा है, भाईगिरी, गैंग वॉर, एनकाउंटर, चलो चलो घर चलो चलो। अरे अरे घर कौन जाएगा, यहाँ तो रोमांटिक गाना होने वाला, हीरो अपनी शर्ट निकालने वाला है। व्हाट इज दिस, नो शर्ट, पब्लिक इंडेसेंसी, मैं अपना देश का डाउनफॉल देख रहा हूँ सामने। हीरो गाना? अरे कौन क्या उतार रहा है? अरे यार शर्ट। संभल गिर ना जाना यार, ऐसे ना मचल जाए ना फिसल, गिर ना जाना कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हो जाता हर कोई स्टंप्ड, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हो जाता हर कोई स्टंप्ड। मेरी स्टंपिंग हो गई रे, मेरी स्टंपिंग हो गई रे, हाय स्टंपिंग हो गई रे, हाय हाय स्टंपिंग हो गई रे, हाउस दैट।
हमसे तो कहा था किसी ने जो जीता वही है सिकंदर। हारे हम ना कभी कोई बाजी फिर भी क्यों है सर्कस के बंदर। दुनिया है मुट्ठी में किसकी, दुनिया तो बस रेत है बिखरती रहे बिछड़ती रहे बिखरती रहे बिछड़ती रहे रह जाता हर कोई स्तंभ। मेरी स्टंपिंग हो गए रे हो, स्टंपिंग हो गए रे ओ, स्टंपिंग हो गए रे अयो, स्टंपिंग हो गए रे हाउस दैट। सारी खुशियाँ थी बाहों में अपनी और खुशियों की बाहों में हम। आया चुपके से कैसा ये तूफान, आज तन्हा है राहों में हम। जीले तू ये लम्हा जीले, कल किसने देखा है रे ये सर कब झुके ये सांसें रुके ये सर कब झुके ये सांसें रुके चले हो के दुनिया से सब। मालूम है मेरा मौसी लड़का एक बार क्या बोला था? क्या बोला? बंगाल में पुराने जमाने में बाप बेटे को लेकर सोनागाछी जाता था। कहाँ ले जाता था? अबे सोनागाछी। ये तो फुसफुसा क्यों है यार? चुप कुछ। अबे सोनागाछी कलकत्ता का सबसे बड़ा यार ये सिग्नल विग्नल मेरे को नहीं समझता, बोलना। अभी ये जगह रियली? हाँ। बाप लेके जाते थे? क्यों? ताकि बेटा बड़ा होकर तेरे जैसा उल्लू का दुमना बने, आदमी बने। क्या फिलॉसफी थी यार उस जमाने में। हाँ ये अमेरिकन मसाला के सब खत्म हो गया हमारा कल्चर। मतलब समझा? नहीं। मान ले अगर तुझे पक्का आदमी बनना है यानी कि मर्द, तो कोई एक, अब मैं तुझे कैसे बताऊं यार, तू एक एक्सपीरियंस्ड औरत की तलाश कर जो तुझे प्यार की ABCD सब कुछ सिखा सके। हाँ यार। हाँ यार क्या, अब खा पी के तैयार एक एक्सपीरियंस्ड औरत की तलाश कर। और सुन, स्कूल की लड़कियों और कॉलेज की लड़कियों पीछे घूमना बंद कर, एकदम फालतू होता है, एकदम टाइम पास। ए वो देख रीनाई। बस कितना हो भाई? 80 रुपया साहब। क्या बात है, आज क्रिकेट नहीं हो रहा? अरे वो हमारे बैट का स्पॉन्सर है ना खेत्रपाल अंकल, वो नया टीवी खरीदने गए वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा अच्छा, बाय। ओके एंजॉय योरसेल्फ, सी यू लेटर। हाय अल्लाह, सचमुच क्या पटाका चीज है यार मेजर राघव की बीवी। ये यार भगवान भी दुश्मन है यार। क्यों यार? ये मेरी मदद भी नहीं करता ताकि मैं मेजर की बीवी को पटाऊं। प्यार का ABC जो सीखना है। तू तो ABCD पे ही अटका रहेगा, हाँ XYZ पे कभी नहीं पहुंचेगा। हाय अगर एक बार छुपाऊं ना एकदम हौले से यार। किसे? मेजर राघव को। चुप साला। सपने में शक्ति कपूर। Bye.
ओ मेरी जोर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी। बंकर में तुम्हारे मियाँ का ये नाच ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। कभी कभी तो ऐसे जोश में नाचता है कि बीवी की याद भी नहीं आती। अच्छा नहीं तभी तभी माधुरी दीक्षित की याद आती है। यार खान प्लीज यार वो अपना स्पेशल आइटम दिखाना अपनी भाभी को। कौन सा? रंग बरसे भीगे। अरे वही दिखा के तो पटाया था मैंने रोमी को। अब से इंतजार कर रही हूँ भैया कि कब ये बंदर नाचना बंद करेगा। यार मियाँ सरासर ज्यादती है ये। यार एक बात बता तू हमेशा मेरे डांस के पीछे क्यों पड़ी रहती है? हाँ यार रोमी क्या तुम्हें स्कूल में नहीं सिखाया था कि लंगड़े को लंगड़ा नहीं और बंदर को बंदर नहीं बुलाते? क्या शराब भी। एक बात बताऊ भैया। क्या? कुछ दिनों से बोलो मेरी बाई आंख बहुत फड़फड़ा रही है। मेरी माँ मैं नहीं मेरा बाप आंखों का डॉक्टर था। मे सोल रेस्ट इन पीस। कल रात को मैंने एक बुरा सपना भी देखा। यार रोमी अच्छी विस्की का दाम पता है क्या? नहीं। जिंदगी कल थोड़ी ना है आज है इसी पल में है। जियो यार जी भर के जियो इसे। जितनी खुशियां बांटनी है बांटो जितना प्यार देना है दो। सपना और आंख को मारो गोली जीना इसी का नाम है। कल क्या होगा किसको पता अभी जिंदगी का ले लो मजा। बेटा जब बोल रहा इतना तो क्या यही कि अपने अपने घर में टीवी नहीं है। देख तू उसकी हाँ में हाँ मत मिलाना। मैं उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में सब लोग बोल रहे हैं कि लालटू सिंह तुम जैसा आदमी इस दुनिया में मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ वो तो है लेकिन। लेकिन क्या? अरे हमारे भोला को टीवी देखने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। अरे टीवी देखकर कोई बड़ा आदमी बना हो तो मुझे बताओ और वो भी क्रिकेट। ओहो टीवी ना देखकर कोई बहुत बड़ा आदमी बना है तो बताओ। बिशन सिंह बेदी क्या टीवी देखता था? अरे सब पड़ोसियों के घर में टीवी है हमारे घर में टीवी नहीं है। अगर पड़ोसी तुम्हें खिड़की से कूदने के लिए कहेंगे तो कूद जाओगी? हाँ कूद जाऊंगी। ए बक बक मत कर सोने का टाइम हो गया आ जा। नहीं आती। आ जाना यार। जान तुम्हें लगता है कि प्यार कभी खत्म हो सकता है? सच्चा प्यार कभी नहीं। और चाहत? मालूम नहीं। हमारे कंपनी में जो लिटेनेंट है ना एक बार पीने के बाद बहुत बड़ी बात कही। क्या? कहता है कि जिस औरत के साथ यू आर कंप्लीटली हैप्पी इन साइलेंस जिसके साथ तुम अपने दिल की खामोशी शेयर कर सकते हो उसे जिंदगी भर प्यार कर सकते हो। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनके पास शादी के बाद एक दूसरे से कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता टीवी से बातें करते रहते हैं। हम वैसे नहीं हैं। मैं तुमसे कितना कुछ कह देता हूं बिना कुछ कह के। राघव क्या मैं जिंदगी भर तुम्हें सुन सकूंगी महसूस कर सकूंगी? जिंदगी भर ही क्यों तुम Excuse me. इस वक्त कौन हो सकता? हेलो हाँ बोलो। नहीं यार नो प्रॉब्लम। अच्छा आई सी ऑल द बेस्ट गुड लक एंड एंजॉय हाँ गुड नाइट। कौन था वो? खान घर पहुंच गए ठीक ठाक? कहता है रेजिमेंट से फोन आया। क्यों क्या हुआ? वैली में थोड़ी बहुत शेलिंग हुई है रिपोर्ट करना होगा। बेचारा इस बात से तरसता है कल वो इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच है ना वो मिस करने वाला है इसलिए आज से ही टीवी के सामने बैठ के इंडिया के लिए दुआ मांग रहा है। क्या पागल है साला? नहीं क्या कह रहा था वो कि आज से ही टीवी के सामने? नहीं कश्मीर में क्या? कुछ नहीं बेबी वैली में थोड़ी हैवी शेलिंग हुई है कल रिपोर्ट करना होगा। क्या तुम्हें भी? शायद। माटे बड़े माटे चेतावनी क्रिकेट इज ओपन ऑफ द मासेस क्रिकेट हटाओ देश बचाओ।
Cricket is opium of the masses? Cricket hatao, desh bachao? Cricket is opium of masses? What nonsense! Cricket hatao? Opium my foot! For men like him, I'll rather stay single all my life. Well, not all. Doko. Doko. Hey, Doko. Hey, Doko, tumko sode ka paisa deta hai. Chaitri sahab, aap kono aafat aayi hai ka? Nahi nahi, dekho suno. ये इम्पोर्टेंट पैम्फलेट्स है आज सोसाइटी में जो भी आएगा जाएगा उनके हाथ में देने का सबको हैं बोलने का नया नहीं पर इमा है का साहब विप्लवम विप्लव विप्लवम है ओके ऑल द बेस्ट लागल कर जीवा में तीर ऐसन तो ए, रुकवा राम राम दुखी चाचा राम राम का हुआ दुखी चाचा हीलो इका रखो इका बा विप्लवम विप्लवम का चक्कर बा कैसे बताई तो के पिया चल जल्दी आज लेट हो गए हम लोग जल्दी चल Good morning, uncle. Good morning. आज लेट हो गए थे Good morning, uncle. ए, ये देख, ये सब किसने किया? शह, कौन लगा ये सब? अरे रुकना भाई, मैं भी पीछे हूँ. अरे ये लो बिटवा ये लिए जाओ. ये क्या है? अरे है करो चीज ली जाओ. कौन दिया तुमको? हाँ ठीक है अरे करो दीन है इका रखो लिए जाओ. लगता है कोई चस्सी का काम है. Stupid. What do you think of himself? Jai Ram Ji ki. Enna ma? Kya hai ye? Kaam dhanda nahi kya kisi ko? Kya hai? Arey bahut badhiya cheez hai sahab, dekho. Oh, Dukhi Ram, bahut changa kaam kar rahe ho. Salaam sahab. Salaam sahab. Stop cricket? हाँ तो क्या? किसने भेजा ये? दीन है कौनो? बांटना है ना? हाँ. बस इतना ही है. अरे अरे देना. अरे बांटना ही है ना. Stop it. ये अरे मैं बांट देता हूँ ना. सोसाइटी का हाथ में है. Yeah. Hey, आयो. गुड मॉर्निंग सुब्रमण्यन कल क्या बात है कुछ नहीं आपने सब ऐसे उड़ा दिया बेकार सब अच्छा ये बताइए किसने किया है सब किसका काम है बाबे वो क्या है कि इतना डर्टी हो गया गंदा हो गया साफ कर गया मेंटेनेंस का पैसा नहीं देता क्या मैं झाड़े वाले को बुला के साफ कराइए ओके हाय देर हो रही है बाय बाय रास्कल उप्स सॉरी यार प्लीज यार फिर से शुरू मत होना मैं ये जैम क्या हेलो कौन नहीं यहाँ पे कोई बुकी वुकी नहीं रहता क्या कह रहे थे तुम मैं ये जैम नहीं ले जा रहा पाइनएप्पल जैम तुम्हें अच्छा लगता है वहां ब्रेकफास्ट में बात क्या नहीं है जान आखिर वेट भी तो देखना पड़ता है पिछली बार पॉमी कुत्ते ने खाया था ठीक है हटो दे दो मुझे प्लीज तुम भी कभी कभी हद कर देती हो आखिर जैम में कोई इमोशनल होता है क्या
ठीक है, अगली बार नहीं रुकूंगी, माफ कर दो। रीना, रीना प्लीज, फॉर गॉड्स सेक, प्लीज लुक, डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी, प्लीज। Reena, please try and understand. A job needs to be done and I have to do it. Somebody somewhere needs me, Reena. I feel the whole country looks up to me. Raghav. Jeetega bhai, jeetega. 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 मेरे प्यारे तीनों बंदरों, गौतम, गिरीश और भोला, और छोटे छोटे कॉमरेड साथियों, और मेरी घरवाली, आज मैंने अपना नया टेलीविजन इंडियन क्रिकेट टीम को सौंप दिया है, समर्पित किया है भारतवर्ष को। आज वर्ल्ड कप का वो सुनहरा दिन है जब इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ मैच खेल रहा है, और इंडिया जीतेगा ही जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया मैच जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया मैच चालू हो गया। अरे अंकल, हार तो निकालिए। ओहो, अरे रे, मैच शुरू हो गया भाई। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया मैच जीतेगा। कुछ दिनों के लिए पूना क्यों नहीं चली जाती अपने पेरेंट्स के यहाँ? मुझे तुम्हारे लिए इंतजार करना अच्छा लगता है। तुम पागल हो? नहीं तो क्या, तुमसे शादी करती। वो बात भी सही है। वैसे भी घर फिर से पेंट करवाने का सोच रही थी। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, 3 साल तो हो चुके हैं ना। कम इन, दरवाजा खुला है। हाय अंकल। हाय आंटी। गिरीश, यार एक बात बताओ, क्या हम लोग इतने बुढ़े लगते हैं? Forget this uncle aunty, call me Raghav and her Reena. Oh yes, sorry. Hi Raghav, hi Reena. Hi Girish, you're doing fine? Yes, I'm fine. Paul? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं कल पिकनिक है मेरी श्रीनगर में। Wow, सुना है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मेरे पेरेंट्स भी वहां गए थे हनीमून के लिए। अच्छा? हाँ। वैसे अभी भी मून तो निकलता है, बस हनी की थोड़ी कमी है। आई नो व्हाट यू मीन। एनीवेज, हम लोग एक फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा? हाँ। किसलिए? किसलिए? नए क्रिकेट बैट के लिए? अरे नहीं वो प्रोजेक्ट तो अगले महीने हम लोग टेकअप करेंगे, ये तो इंडिया के लिए। अच्छा? हाँ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स? अरे नहीं, वर्ल्ड कप के लिए। आई सी। पता है, जिस दिन इंडिया जीतेगी ना, उस दिन हम लोग पूरी सोसाइटी में मिठाइयां बांटेंगे। गुड आइडिया। पर हारे तो? हारे तो भी बांटेंगे, अगर जीते तो खुशी से, हारे तो आंसुओं से। ये लो। इज 50 ओके? यस अंकल। ओह सॉरी राघव, बाय, थैंक्स। मैंने चेकबुक तो साइन कर ली ना? हाँ। वैसे भी जान, मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली, इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज कॉल हिम, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना। डोंट वरी। हे रीना, हे, क्या हुआ बेबी? पता नहीं, तुम्हारे जाने का टेंशन, शायद स्ट्रेस। ये स्ट्रेस वैस कुछ नहीं, प्रॉमिस मी कल तुम डॉक्टर मांडके से मिले जाओगी। हाँ, नो एक्सक्यूजेस। दैट्स माय गर्ल। ठीक हो? जाओ तुम, डोंट वरी अबाउट मी। देर हो रही है। चलो। सुनो, थोड़ी देर और रुके जाओ ना। मैं तुम्हें हर पल महसूस करूंगी। इतना चिल्ला
सलामत। अगली बॉल में आउट हो जाएगा तेंदुलकर, कुछ भरोसा नहीं अपने बंदों का। कौन बोला? कौन बोला ये? अंकल बोला, 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 बोला। निकाल इसे, निकाल इसे। अरे अपने इंडिया में ऐसा निगेटिव सोचने वाला होगा तो कैसे खेलेगा तेंदुलकर पॉजिटिव? निकाल इसे, निकाल निकाल निकाल। अरे चल निकल से, क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं? जब साउथ अफ्रीका बम्बू देगा तब पता चलेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार बटालिक में घमासान युद्ध जारी है। खबर मिली है कि पाकिस्तान ने कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया है, पर कारगिल में आज सातवें दिन भी भारतीय सेना ने एलओसी के पूर्वी बटालिक और उत्तरी द्रास के पहाड़ी इलाकों पर भारी बमबारी की। सेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने आतंकवादियों पर मशीन गन्स और मिसाइल से हमला किया। गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस अभियान में भारतीय सेना के 25 जवान और 4 सेनाधिकारी मारे गए हैं। ए गौतम, मारना चाहिए ना? भूला कहीं, भूला जाने दो ना, ये भूला के ला ना, जा भूला के ला, ये भूला के ला। कम ऑन द्रविड, कम ऑन बेटा। अंकल। हाँ बेटा, चौका मारना चाहिए ना? मारना तो चाहिए, चला जा। नहीं यार, मेरे को नहीं आना है बस। फिर इधर बैठा क्यों है तू? नहीं देखना है क्रिकेट। हाँ गौतम, गौतम क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार, उसको बहुत बुरा लगा लगता है बेचारे को, नहीं कहीं इंडिया हार ना जाए। कम ऑन द्रविड, कम ऑन। दिख दिख, अभी चौका मारेगा। माँ, अरे पुत्र क्यों है तेनु? सबके घर में टीवी है, अपने घर में टीवी नहीं है। अरे तेरे डैडी को टीवी पसंद नहीं है ना बेटा, इस वास्ते। लेकिन तू तो फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए टीवी जरूर लेकर आऊंगी। कब? जल्दी कहा ना मैंने। रेडियो से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से 400 इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो सुइसाइड मिशन पर हैं, यानी कि सरेंडर नामुमकिन। दे आर आर्म्ड विद मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स, पीके गन्स एंड रॉकेट लॉन्चर्स। वहाँ उन ऊपर हाइट्स पर छुपे हुए हैं। वी हैव टू फ्लश देम आउट ट्रूप्स, कम ऑन। बाबा, आपका आशीर्वाद लेने रीना आई है। अरे खुश रहो, पहचाना आपने ना? रीना, तुझे मालूम है जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक क्या है? क्या है बाबा? दृष्टि। क्योंकि जिसे हम देखते हैं ना, उसे चाहने लगते हैं, फिर उसका लोभ पैदा होता है मन में, और अगर वो कहीं खो जाता है तो बहुत दुख पहुंचता है जिंदगी में। लेकिन जिसे हम देख ही नहीं पाते, वो हमसे कभी खोता नहीं, क्योंकि उसका मिलन तो हमारे मन के साथ होता है, दिल के साथ, आंखों के साथ नहीं। अच्छा, इतना ही ज्ञान काफी है, अभी हूं कुछ दिन यहां। जी बाबा, किस तरफ से? चल भाई। बाबा, बाबा मेरी एक समस्या है। हाँ हाँ बोलो। क्या है, मैंने आईटी में बहुत सारा पैसा डाला है, शेयर्स में, लेकिन मार्केट उठ ही नहीं रहा है। तुम्हारी समस्या तो गंभीर है स्वदेश, तुम्हारे पीछे हरीश खड़ा है ना? हाँ गिरीश, यहाँ पर। गिरीश। गिरीश, तुम्हारी भी कोई समस्या है? बाबा,
इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा ना? अरे बाबा को ऐसे फालतू सवाल पूछकर परेशान मत कर। नहीं 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 स्वदेश, तुम्हारी और इसकी समस्या में ज्यादा फर्क नहीं है। तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, इसका दिल लटका हुआ है। और मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता हूँ। मुक्ति चाहते हो स्वदेश अपनी समस्याओं? जी बाबा चाहता हूँ। तुम दोनों की समस्याओं की मुक्ति रीना है। जी रीना। जी बाबा। खुश रहो बेटी। रीना को जानते हो ना? जी बाबा। तो गौर से देखो इसे, इस तरह देखो जैसे पहले कभी नहीं देखा हो। और अब इसकी आंखों में इसके पति राघव की तस्वीर देखो। राघव जो हमसे मीलों दूर वहां बर्फ में खड़ा है। दुश्मन की तोप के गोलों, गोलियों की बौछारों और बारूदी आग के बीच। वो वहां खड़ा है जहां एक पल में बर्फ की सर्दी मौत की ठंडक में बदल सकती है। वो वहां खड़ा है जहां जिंदगी और मौत एक खेल है। और अब देखो उसकी आंखों में, क्या तुम्हें वहां कोई डर दिखाई देता है? नहीं, राघव की समस्या डर नहीं है। उसकी समस्या है कि उसे और ज्यादा शक्ति, और ज्यादा जोश, और ज्यादा उत्साह चाहिए दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। उसी शक्ति की तलाश में है वो। वहां बर्फ में खड़े राघव की यही समस्या है। बाबा। अब बताओ स्वदेश, क्या तुम्हारे स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव राघव की समस्या से बड़ा है? जी जी नहीं बाबा। और गिरीश, क्या तुम्हारे देश का वर्ल्ड कप जीतना राघव की समस्या से बड़ा है? नहीं बाबा। भगवान ने दृष्टि दी है बेटा, उसका उपयोग करो, मुक्ति मिलेगी। जिम्बाब्वे से भी हार गया सच अंकल। क्या क्या खेलता है? चुल्लू भर पानी में डूब मर सब खेलता है। कल्लू के एक ओवर में दो आउट। छी छी छी, मूड खराब हो गया है। हटा हटा इसे। के अनुसार बटालिक में घमासान युद्ध जारी है। खबर मिली है कि पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना लगातार दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रही है। अब तक सेना के 46 जवान मारे गए हैं, 175 जवान घायल हो गए हैं और 12 जवान लापता है। टीवी में जहाँ देखो युद्ध की खबर, लड़ाई। कंटाला गया रे, कंटाला गया। इससे अपना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी अच्छा था बंधु, कम से कम इंडिया जीतता तो था कि नहीं। कल्लू की एक ओवर में दो आउट। चा, चा, चा। अरे अंकल, ये अपने बंदों को तो मैं भी बॉल डालता ना तो भी आउट हो जाते। हुँ? अरे दिन भर टीवी एड में नाचेंगे तो प्रैक्टिस कब करेंगे? ठेंगा। बमबारी के बीच चौकियाल, रणबीरपुरा, तसर, चंद्रास, बम्बट, कोशान और आसपास के गांव में तनावपूर्ण वातावरण रहा। शुक्रवार शिवरास पर हमला शुरू हुआ।
भयभीत लोगों को कारगिल से 40 किलोमीटर दूर शंकु की सुरक्षित जगह भेजी गई। गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस अभियान में भारतीय सेना के 25 जवान और 4 सेनाधिकारी मारे गए। I will always love you. I will always love you. हाय आंटी। उप्स, फिर भूल गया। हाय रीना, पता है आज इंडिया हार गया। क्या? जिम्बाब्वे से। हाँ, I'm sorry. No problem. ये लीजिए मिठाई खाइए। मेरा मूड नहीं कर रहा, तुम मेरे हिस्से की खा लो। ठीक है। कितने अजीब हो, हार की मिठाई बांटते फिर रहे हो। बाय। अबे घुचू, क्या हो गया तुझे? मैं सपना देख रहा हूँ। अबे सुबह कब का हो गया है? दोपहर होने के जा रहा है। अबे ये कभी ना खत्म होने वाला सपना है। एक क्या देख रहा है, बोलना। मालूम है कल क्या हुआ? क्या? मैं रीना के घर गया मिठाइयां देने। फिर वो तभी तभी नहाकर निकली थी बाथरूम से, पूरे शरीर पर ऑडिकोलन लगाकर। फिर मुझे देखा, मेरे पास आई, एकदम पास। मेरा दिल हुआ कि उसे ले लूं अपनी बाहों में। उसके बदन की खुशबू आई, पकड़ने वाला था उसे अपनी बाहों में कि फिर बोलना। अरे वो साला इंडिया हार गया ना, इसीलिए मेरा हिम्मत नहीं हुआ। रे तो फिर क्या? फिर क्या, वो भी मुझे अपनी बाहों में लेना चाहती थी। हॉल से मुझे छुआ एकदम ऐसे। फिर मेरी तरफ मुस्कुराई, फिर मुझे कहा, गिरीश तुम फिर आना। हाँ फिर क्या, साला मैं खो गया उसके सपने में और क्या। अयो रब्बा, कल से मिठाइयां मैं बांटूंगा। ए चुप कर, वो मिठाई का आइडिया किसका था? तेरा। हाँ वो मेरा डिपार्टमेंट है। अच्छा ये बता, नेक्स्ट मैच किसके साथ है इंडिया का? श्रीलंका के साथ। ए फिर तो अपन जरूर हारेंगे। हारेंगे जरूर। फिर वो मुझे अपने कमरे में बुलाएगी, सीने से लगाएगी। फिर क्या, ए बी सी। हे रीना। राघव, मैंने तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था रीना कि मेरा अपना घर होगा। अपना? और मैं? तुम मेरी अपनी नहीं हो क्या? नहीं, मुझे बराबर का शेयर चाहिए, इक्वल शेयर। तुम मेरे अपने हो और ये प्यार व्यार शादी वादी के चक्कर तक ठीक रहता है। इस घर का हिस्सा आधा मेरा और तुम्हारा, बस। नहीं। हाँ नहीं? नहीं नहीं नहीं। पर ये सब समझ नहीं। क्यों? आ, राघव, you're so heartless. हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुमको, आउच, क्या कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ मेरे हिस्से का भी तुम ही रख लो। Really? Mm-hmm. When I come back from my wars or from a hard day's work, दाल रोटी तैयार रखना। इस तरह सजा के रखना। अच्छा। And most importantly, सबसे अहम कंडीशन है ये। क्या? जिंदगी की हर शाम, हर शाम प्यार भरी होनी चाहिए। Every night. नहीं। यार क्यों इतनी heartless बन रही हो रीना? हमारी अभी अभी तो शादी हुई है। Ouch. Okay then. Every alternate night.
हमारा घर पुराना हो रहा है राघव, जल्दी आ जाओ प्लीज। घर को रंग जो करवाना है, कलर स्कीम नहीं बताओगे? कलर स्कीम? हाँ कलर स्कीम। अरे हेलो, आर यू सीरियस? क्यों? आज पहली बार पता चला दैट आई हैव मैरिड द रॉन्ग वुमन। व्हाट? अरे भाई, मेरे पेरेंट्स ने अच्छे खासे पैसा खर्चा करके एक आर्ट कॉलेज लड़की से शादी करवाई है, करवाई है नहीं? और तुम एक आर्मी मैन से कलर स्कीम पूछ रही हो? आर्मी मैन, तुम खान के लिए हो, मेरे लिए स्लेव फॉरएवर। पर रहना तुम्हें यहाँ है, मास्टर फॉरएवर। जो चाहे जैसा चाहे पेंट करवा लो, मुझे क्या लेने देना। मुझे तो सिर्फ नए पेंट की खुशबू अच्छी लगती। आई लव यू राघव। अब इन दीवारों से खुशबू भी नहीं आती। आ जाओ प्लीज। ची 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 ची, साले उस कल्लू के एक ओवर में दो विकेट दे दिए, जीता हुआ गेम हार गए साले, इडियट। क्या बताएं सर, हम लोगों को तो कंपटीशन में जाना ही नहीं चाहिए। और नहीं, बेइज्जती होती है। घर के पिछवाड़े 3 साल प्रैक्टिस करो बस। हाँ मैं तो कहता हूँ साहब जी, पैसे खाए हैं। पैसा क्या कम मिलता है सालों को, फिर भी बैट घुमाना नहीं आता। ची ची, पैसा कितना भी मिलता हो साहब, अपना सारा जाति पैसा खो रहा है, उसका हाँ। क्या करें। जनता, पिछले साल मैं सिंगापुर गया था। हाँ। नहीं, सफाई वहाँ नीट एंड क्लीन। अच्छा, सड़क पे कहीं भी गंदगी फेंको, पान का पीक फेंको, फौरन जेल में, नो सुनवाई। लेकिन अपने लोगों तो डस्टबिन में रहते रहते गंदगी की आदत पड़ गई। वहाँ का सफाई पुलिस थोड़ी रखता है साहब जी, तो आदमी रखता है। आप देखिए, आप सिगरेट यहाँ पी रहे हैं और ऐश यहीं पे डाल रहे हैं। अबे साले, तू अपनी औकात में रह, समझा? मुझे सिखाता है, काम की बात कर बस। कितना हुआ? 22 रुपया। भेजता हूँ। हाय गिरीश। हाय, आज आप काफी एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। रियली? क्या हुआ? आज मुझे 12 पेज की चिट्ठी आई है। अच्छा, कहाँ से? कारगिल से। तुम्हें कभी 12 पेज की चिट्ठी आई? 12 पेज की क्या, 2 पेज की भी नहीं आई है। कोई बात नहीं, मैं लिखूंगी। ओके बाय। अरे गिरीश। हाँ। कल तुम आ सकते हो सवेरे 10 बजे? हाँ हाँ हाँ। मुझे एक क्रेजी आइडिया आया है, तुम और मैं करेंगे। ओके तुम और मैं? हाँ। ओके बाय, थैंक यू। A B C D E F G H। कल रात काफी दिनों बाद तुम मेरे सपने में आई। मैंने देखा कि मैं किसी एयरपोर्ट पे बैठा कहीं दूर जाने के इंतजार में हूं, और तुम हमेशा की तरह डगमगाती हुई, मचलती हुई, अपनी चांद की किरणों वाली मुस्कुराहट बिखेरती हुई मेरी तरफ आ रही हो। मुझे लगा कि भगवान ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है शायद। सपना तो सपने में खूबसूरत था, लेकिन कश्मीर के एक भूले हुए कोने में, बर्फीली ठंड में, तुम्हारा एहसास, तुम्हारी अजीब सी कैफियत मेरे दिल में है रीना। यही बात कि तुम हो, कि मुझे तुम्हारा दिल का पता है, शायद इस वक्त यही मेरी सबसे करीब की सच्चाई है, और यही एहसास
इस ठंड में भी एक अजीब सी गर्माहट पहुंचाता है मेरे दिल में। मैं बहुत सी बातें तुम्हारे सामने कह नहीं पाता, ना जाने क्यों मेरे ख्याल और मेरी जबान मिल नहीं पाती जब तुम मेरे बहुत करीब होती हो। लेकिन मीलों मील दूर तुम्हारे लिए जो प्यार मैं महसूस कर रहा हूं, क्या तुम्हें उसकी धड़कन सुनाई दे रही है? अब रात गहरी हो चुकी है, क्या जाने मेरा सपना फिर तुम्हें मेरे करीब, बहुत करीब ले आए। ओहो, इतनी बारिश! वाह, फिर बारिश! तुम्हारा क्या, कुछ भी तो देखने नहीं मिला, एक कमरे में बंद है। बस जो मिला वो एक हनीमून के लिए कम है क्या? क्या मिला? अरे तुम जो मिली, कुछ बारिश की बूंदें और ढेर सारे मीर जो हम दोनों के बीच मुस्कुराता गया। एक सपना होना चाहती हूँ तुम्हारे मन के आस पास, बस एक प्यास होना चाहती हूँ तुम्हारे तन के आस पास। ये गीला सा दिन तुम रख लो कहीं, बारिश की ये बूंदे छुपा लो कहीं, ख्वाहिशे मेरी सजा लो कहीं, हमारी मंजिल के आस पास। थोड़ी सी मिठास, थोड़ा अपनापन, शबनम जैसी शाम की तन्हाई में, हो हरी हरी सी मुस्कुराहट लेकर तुम आ भी जाओ कोहरे की परछाई में, ओ लो कहीं, इन आँखों के आंसू छुपा लो कहीं, ख्वाहिशे मेरी तुम सजा लो कहीं, हमारी मंजिल के आस पास। एक सपना होना चाहती हूँ तुम्हारे मन के पास पास। क्या है? कब से बेल बजा रहा था, स्विच ऑफ था क्या? ठीक है, क्या हुआ? आप ही ने बोला था ना? हाँ? आपको याद नहीं, 10 बज गए हैं। मैंने बोला था
हाँ। क्या बोला था? ओह हाँ हाँ हाँ, रात के 10 बजे बोला था क्या? नहीं बाबा, सॉरी, तेज नींद लग गई थी। आओ अंदर आओ, आओ। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग रीना। भाई वैसे मेरी मॉर्निंग तो सवेरे सवेरे हो गई थी। मेरा सपना तो अभी का अभी टूटा है बाबा। तुम खुशकिस्मत हो रीना। चलो बाबा। अरे बाबा, रंगा खेत्रपाल बाबा। बाबा एक बात बताइए, आप धनवंतरी हैं, कैसे आप एक ही आवाज में पहचान लेते हैं? क्यों, मुझे पहचानने के लिए तुम्हें 5 बार देखना पड़ता है क्या? वाह 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 वाह। तुम्हारा बर्थडे है? नहीं, क्यों? नहीं, ये सूट ये टाई, मैंने सोचा कि अच्छा तुम कॉफी पीते हो? हाँ हाँ। मैं तो बगैर दूध के कॉफी पीती हूँ। तुम? मैं भी ब्लैक ब्लैक कॉफी। अच्छा बोलो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं बाबा। बाबा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है ना, हाँ। तो मैंने छुट्टियां ली ऑफिस से, अपनी बीवी को शिमला भी नहीं ले जा रहा हूँ, वर्ल्ड कप जो है। भाई रंगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गरम है संभालना। हाँ क्यों, कॉफी ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, शायद शक्कर कम है। सॉरी, और डाल देती हूँ, ये लो बस। हाँ। गिरीश, मेरे पास एक क्रेजी आइडिया है, तुम मेरा साथ दोगे क्या? या श्योर श्योर। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन क्या पाया बताइए, साले लोग जिम्बाब्वे से भी हार गए। हाँ लेकिन अब ये तो तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। मेरे हाथ में तो नहीं है बाबा, लेकिन बाबा आपके हाथ में तो है ना। अरे नहीं नहीं बाबा, सुनिए एक मिनट, एक बाबा कुछ घुमाइए बाबा। अरे रंगा देखिए, एटलीस्ट श्रीलंका के साथ भारत को जीतना ही चाहिए। अरे नहीं तो ऑफिस में मेरा सब मजाक उड़ाएंगे बाबा। अरे रंगा ये खेल का मामला थोड़ा पेचीदा है, मैं तो जिंदगी का खेल ही नहीं समझ पाया अब तक, और ये तुम्हारे क्रिकेट का खेल तो जिंदगी से भी पेचीदा है। सुना है इश्तहार के बड़े पैसे मिलते हैं बाबा। बाबा अरे बाबा रंगा, ये बाबा ये क्या कर रहे हो? बाबा रहम कीजिए बाबा, रहम कीजिए बाबा, मेरा कुछ नहीं है सिवाय एक पत्नी के, ऊपर वाले ने एक बच्चा तक नहीं दिया। बाबा पत्नी कहती है मुझ में ही कुछ कमी है, हो सकता है मुझ बाबा मुझ में बहुत सारी कमियां है, बस आधी तो मैं भी नहीं जाए, लेकिन एक बात सारी कमियां खत्म हो जाती है बाबा जब इंडिया जीतती। बाबा बाबा मुझे हारना नहीं है बाबा, मुझे हारना नहीं है बाबा, कुछ करो बाबा, बाबा प्लीज बाबा कुछ करो, मुझे हारना नहीं है। बस बेटा ये लो। तो फिर क्या बोलते हो, साथ दोगे मेरा? श्योर। गुड, तो फिर कब से शुरू करें? कल से। कल से सुबह 9 बजे? ओके। गुड, तो फिर सब कुछ आज ही खरीद के रख दूंगी। हाँ ठीक है। मैं कल 9 बजे से दरवाजा ठोकना चालू करूंगा तो 10 बजे तक तो खुल जाएगा ना? नहीं नहीं, आज के लिए सॉरी गिरीश, वो कल रात को बहुत देर हो गई थी सोते सोते। नो प्रॉब्लम। तो फिर कल? हाँ ठीक है। गुड। तनाव जारी है, सरकारी सूत्रों के अनुसार बटालिक में घमासान युद्ध चल रहा है। देखो यार फिर युद्ध की खबर, कितना युद्ध। अरे आप मैच लगाइए ना। तो लगाता हूँ यार, जल्दी कीजिए ना। आ गया आ गया आ गया, ए जीतेगा भाई, जीतेगा 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 भाई, जीतेगा।
इंडिया मैच जीतेगा। ये बच गया। क्या सुनाई नहीं दे रहा? कल मैं फिर तुम्हारे सपने में आई थी। मैं नहीं थी तो कौन था? कौन रोमी? खान की बीवी राघव। मैं ठीक हूँ। बहुत ठंड है क्या वहां? नहीं, रोज तो तुम्हारी याद नहीं आती, बस कभी कभी। राघव, आई मिस यू वेरी मच। मैं रोज तुम्हें महसूस करती हूं। क्या? मैं रोज तुम्हें महसूस करती हूं। आई लव यू टू। अकॉर्डिंग टू जेम्स, ह्यूमन बींग्स यूज 10% ऑफ देयर विप एट ओपियम। ओपियम हफीम पिलाए जा रहे हैं पब्लिक को, ये क्रिकेट का हफीम। स्टॉप इट, स्टॉप इट। मैंने खाना बना दिया है, मैं सोदर जी के यहाँ से जाके आती हूँ, ठीक है? लेकिन सुनो, वहाँ जाके टीवी के सामने मत बैठना, भिखारी हूँ तेरा। अरे मैं माला दीदी का हाथ बटाने जा रही हूँ, समझे? जल्दी आ जाना। सुबू तुम, वो डायरेक्ट एक्शन का वक्त आ गया, आप आते हैं? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मैं बताता हूँ, आइए। लेकिन सुबू मेरी बात चलो मेरे साथ। सुन, अरे यार सुन। सरकार ने द्रास के 11 गांव के लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। माला भाभी, माला भाभी। अरे आइए ना, आइए आइए। कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है? अरे अपने लोग क्या बोलिंग डाल रहे हैं, देखो। मैं आपके लिए आलू छील दूं? हाँ ये लो। आलू छीलेंगी या टीवी देखेंगी? ओहो भाई साहब, कमाल करते हैं आप। मेरा नंबर वन टीम इंडिया। सुब्रमण्यम, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? देखो, कुछ हासिल करने के लिए कभी लाइफ में तकलीफ उठाना पड़ता है। वो केड़ी तकलीफ? इंडिया, इंडिया को हम अफीम से बचाएंगे। कैसी अफीम सुब्रमण्यम, बताओ ना। मैं आपके शोल्डर पे चढ़ूं? शोल्डर पे? मगर क्यों? देखो मुझसे भी कुछ पूछो नहीं, मैं बहुत तंग आ चुका हूं। मुझे आपके शोल्डर पे चढ़ने दो। मगर किस लिए? देखो ये क्या है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन? लेकिन ये तो कटर है। विप्लवम, चढ़ूं? अच्छा एक मिनट। अप्पा, यो। सिंह साहब, आप आगे, थोड़ा संभल के, थोड़ा आगे, ऊपर, ऊपर। ये क्या हुआ? ओ जी। अरे ये हो क्या गया? ये क्या हो गया? केबल देखिए ना। अरे अंकल टीवी चल रहा है। टीवी चल रहा है तो ये क्या है? अरे अरे यार, ये केबल वाला क्यों मजाक कर रहा है? क्या कर रहा है ये इडियट? भाई साहब पैसे तो दे दिए थे, पैसे दे दिए थे, लेकिन केबल वाला बेकार ना। वो केबल चेक करिए। केबल 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 तो ठीक है, लगता है किसी ने काट दिया होगा। काट दिया केबल? काट दिया? ओ लो। किसने काटा केबल? किसने काटा केबल? चलो देखते, चलो 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 देखेंगे। मुझे लगता है वो केबल वाले की वायर कट गई, हमेशा गड़बड़ करता है। किसे वायर कट गई? फोन कीजिए, फोन करो लौकर, फोन करो लौकर। हेलो, लाइन कट गई? हेलो, आपकी लाइन कट गई? देखिए देखिए, लाइन काटा है। किसने किसने काटा? ये बगल वाले केबल ऑपरेटर ने। दोगे कितना अच्छा मैच चल रहा था यार। अबे तू सो रहा था क्या जब बाहर का आदमी आके केबल काट के गया? नहीं साहब, हम तो गेट पे ड्यूटी करत रहा है। क्या ड्यूटी कर रहा था? सोसाइटी के ऑफिस में कंप्लेन कर दूंगा। कोई भी आके सोसाइटी में कुछ भी करके जाएगा, कोई सिक्योरिटी है या नहीं? विप्लवम, विप्लवम, हम का माफ कर दो साहब, हम का करी? अब देखो का करी, का करी, क्या मटन करी? माफी मांगता है, क्या कर रहे हैं? यू स्टूपिड।
stupid. माँ साहब गए केबल वाले के पीछे, अपने को भी तो जाना चाहिए था। मस्को देखो, इंडिया ने 8वां विकेट ले लिया 203 पे। हाय रब्बा, अरे भोला तू कितना कुछ जानता है रे। ये केबल कट तो नहीं जाएगा ना? माँ तुम भी ना बस वैसी हो। कैसी? बस वैसी। राघव, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बोलो मुझे कह रहे थे कि राघव, राघव। रीना, पता है कल इंडिया जीत गया अगेंस्ट श्रीलंका, क्या छक्के पे छक्का मारा है राहुल द्रविड ने। वो सामान लाया था ना, वो सब चेक करना है। हाँ आओ आओ, अंदर आओ। कितनी बार कहा लिविंग रूम में नहीं, पर ज्यादातर लोग तो वहां पर ही। मुझे किचन में अच्छा लगता है और कभी कभी बाथरूम में। बाथरूम में? किचन में भी? आंटी चुप, लगाएगा कि नहीं? मैं कोशिश। अरे भोला तू, मेरी मदद तो करना। टाइम है। हाँ छोटू, तू मेरी माँ के साथ क्या कर रहा है? अरे आंटी को केबल कनेक्शन मांगता है। केबल कनेक्शन? केबल कनेक्शन टीवी? कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है ना, उससे रहा नहीं गया। किरेश, काम के वक्त काम और खेल के वक्त खेल। थक गए ना? नहीं, मुझे आपके साथ रहने में अच्छा ही लगता है। तुम्हारे साथ भी रहना मुझे अच्छा लगता है। कल फिर आना, इंतजार करूंगी। हाँ एक बात बताओ रीना। बताओ। मैं सोच रहा था कि कल भोला और गौतम को अपने साथ अपनी टीम में शामिल कर ले तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। गुड आइडिया, लेकिन वो लोग फ्री होंगे क्या? उन दोनों का तो एक ही ऑक्यूपेशन है। क्या? गप्पे मारना। ठीक है। अच्छा बाय। बाय। क्यों? If ever, ever anybody sees this stupid photograph of mine, नतीजा अच्छा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा? हम्म? अच्छा? अच्छा?
पापा आ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना, गाली पड़ेगी ना। यहाँ आए तो सुनाई तो देगा। ये देखो कैसे कमोड के पीछे छुप जाता है। अरे ये तो वाकई कमोड के पीछे छुप जाता है। तो अरे भोला, तू आखिर इतना भोला नहीं है। मैच हुए है माँ? Come on, Jinnat. जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। हाँ, जीतेगा अंकल, जीतेगा। ये तो क्या बाप? माला, माला लौकर ही है, लौकर। ओ आले हो, आले आले। शुरू हो गई। बैटिंग किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। Come on, India. Come on. That would be stupid for that to happen. It happened once for India, and once should be enough. Don't make the same mistake twice. Bapri, kya khelte hain sab? Bhi madam over me. Oye chaur hai, oye chaur. India should know how to bowl them out. It's good toss to win, and it'll be a little battle here for the Australians. अरे श्रीनाथ हीरो क्या करता है रे? He slips in a gully. The third man and fine leg back. Shah. माँ ये मैच तो अपन जीतेंगे। यस। जडेजा कम ऑन। गुड। बोले नीतू। हाँ जडेजा सेंचुरी बनाने वाला है जी, मैं हूं नहीं आई। बच गए। मेरे मालिक, मैं की चावला तो की हो रहा। अबे कितना कितना भारी है बे। तुझे आधी बनाते बनाते मेरी जान न चली जाए। गुरु आप ही तो हो। याद रखना, कभी भूलना मत। ओके चल पाउचू तथास्तु। अब निकालो। याद रखना बोला, तुझको मेढक से आदमी बनाने में कितना मेरा हाथ है। अब निकालना। चुप साला। अरे दो मिनट शांति से मेरा बात भी नहीं सुन रहे तू। बोल बोल। हाँ मतलब है कि तू जो कुछ भी खाए उसे मिल बांट के खाना, नहीं तो पाप लगता है। अरे मैं हमेशा तेरे साथ चेक करता हूँ, कल शाम को दिया ना सिंगदाना। ऐसा नहीं है रे बुद्धू, हमारा हाँ देवनेर देवी की जय। देवनेर देवी की जय। देना। देख मिल बांट के खाएगा ना। हाँ यार क्या बात करता है। मेरे को मालूम है साला, तुम लोग को ये फोटो देखने के अलावा और कोई काम ही नहीं है ना। यार तूने तो डरा दिया था गिवेश। हाँ यार अब ये फोटो देख के कब तक काम चलाओगे? रीना ने बुलाया है। क्या बात करता है? बहुत जल्दी मैं भी आ रहा। रुक 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 रुक। ए ए गौतम, मेरे को भी उतरने का। गौतम अभी तू बच्चा है, उधर ही अच्छा है। बाय बाय बोला। ए गौतम, ए गिरीश। We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe.
We shall overcome someday. Chalo. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. स्वदेश जी, लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? क्या? It doesn't get bigger than this. हाँ, वो टीवी में बोल रहे थे, सुना मैंने. अरे वही तो बोल रहा हूँ. इंडिया पाकिस्तान को मार दे, वर्ल्ड कप भले ही कोई ले जाए, अपने को क्या लेना है? सुना है इंडिया की टीम को वीक करने के लिए पाकिस्तान आजकल बॉर्डर पे पंगे ले रहा है. पंगा नहीं सर, इस बार तो जंग छिड़ेगा जंग. अरे यार, तुम अखबार की न्यूज पे भरोसा करते हो? ये दो पैसे की घटना को रंग भंग चढ़ा के 100 रुपए का दिखाते, तभी तो इनका अखबार बिकता है. वेरी ट्रू. सुनने को मिला है कि जब जब सचिन ड्राइविड चौका छक्का लगाते हैं, ये साले लोग हमारे इंडियन POWs को और टॉर्चर करते हैं. हमारे बहुत लोग मारे जा रहे हैं बॉर्डर पर. भाई साहब, मौत जिंदगी का नियम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बस कल के मैच में इंडिया पाकिस्तान को हरा दे, अपना सारा बदला चुक जाएगा. सर जी, अपने करीबी जब आदमी मरता है ना, तब पता चलता है चूना कितना है पान में. मरे साले किसी और का पिल्ला, मेरा लाडला घर में दूध पी रहा है ना, बस सारी दुनिया ही क्यों ना जल जाए. अरे जल रहा है, तेल डाल जल्दी. हाँ अंकल, लगा रहे हो अभी. वाओ, पुराने घर को पेंट करने से घर एकदम नया सा लगता है ना रीना. लेकिन अगर तुम नहीं होते ना, तो शायद ये काम कभी नहीं होता. और अगर होता भी तो इतना मजा नहीं आता. मुझे भी पता नहीं था कि पेंटरों के काम में इतना मजा होता है. मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब क्रिकेटर नहीं पेंटर बनूंगा. तुम भी ना गिरीश. रीना, हाँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो. मुझे मालूम है बाबा, इन 2 दिनों में तुमने मुझे ये बात 36 बार कह दी है. मैं काउंट कर रही थी. तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो गिरीश. रियली? अच्छा ये बताओ, कभी तुमको किसी ने डिनर खिलाया है क्योंकि तुम हो? मतलब क्या ये भी सेलिब्रेट करने की चीज नहीं है कि हम हैं, कोई और नहीं? हाँ. चलो कल हम तुम्हारी तुम होने की खुशी में सेलिब्रेट करेंगे, तुम और मैं. अच्छा, ओके, श्योर. मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, अ रियल डिनर डेट. रियली? वाओ, कब? कल 8 बजे. ओके ओके. तुमने मेरे घर को जो पेंट करने में मदद की, उसका भी उधार चुकता हो जाएगा और तुम्हारे तुम होने का एक छोटा सा एहसास. रीना. हाँ बोलो. मैं तुम्हें. गिरीश. कुछ नहीं. बोलो तो. मैं तुम्हें आए. हाँ हाँ. अरे गिरीश, क्या हुआ, बोलो तो. आए. हाँ हाँ. अरे क्या हुआ गिरीश? चाइल्डहुड इन्फैटुएशन. रीना. अरे बाबा. रीना. खुश. नमस्कार. तुम्हारी हंसी की झिलमिलाहट सुनी तो मेरे पैरों ने चलना ही बंद कर दिया. क्या बाबा, आप भी कविता करने लगे? नहीं रे, मैं तो बस सच बोलता हूँ. बाबा अगर आप कवि बन जाते ना, तो आपका ये ब्रह्मचारी कब का छूट जाता. इसीलिए तो नहीं बना. रीना, आज तुम्हारे घर की खुशबू बदली हुई है. हाँ बाबा, रंग जो बदला है. नया रंग, नया मोड. संभल के रहना बेटी. आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? अरे मैं, वो कोई खास बात नहीं है. मैं कल शाम को जा रहा हूं ना, तो वो क्या कहते हैं, बाय 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 कहने आया था. आप कल जा रहे हैं बाबा? हाँ. राघव से नहीं मिलेंगे, वो कुछ दिनों में लौट आएगा. नहीं बेटी, शायद इस बार मुलाकात नहीं हो पाएगी. दिस इज द फाइनल गैम्बिट बॉयज. दुश्मन हमारे बिल्कुल सामने है, बस कुछ ही घंटों में दिन निकलने वाला है. एंड देन वी विल अटैक द एनिमी विद सच प्रिसिशन दैट दे वोंट नो व्हाट हिट देम. बट अलिक इज आवर्स बॉयज.
victory is almost won. We don't have another chance. I can't, sir. I'm trying. My hands are freezing. My head is swinging. I am sorry, sir. Sorry. Khan! Victory's ours, boys! Fire! आए पुत्र, आए मेरे भोले पुत्र। हाँ पापा। ये क्या? टीवी? ओए, टीवी! सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ये क्या कर रहे थे साहब? ये क्या करी? चुप कर अभी, देख उधर। Call. Wasim's called tails. It's come down heads. Hey. किसने जीता रे? जीतेगा भाई। आ गया पट्टा जियो मार छक्का। अरे रुकना यार, खेल तो शुरू होने दे। अरे खेलने तो दो उसे, तुला मारूंगा। अरे देख पांडे, देखो चुप। वर्ल्ड कप कोई भी ले जाए लेकिन इंडिया को जीतना है पाकिस्तान के साथ। अरे गिरीश किधर है? सुबह संगल देखा नहीं अभी तक उसको? यार उसको बुला कहीं से भी। एक मिनट यार। Robin Singh is on strike. Oh well, ball. Really was an excellent spell from Wasim Akram. 2 for 27. खुश रहे बेटी। बाबा कुछ दिन और अगर आप रहते। नहीं बेटी, बस। कहाँ जा रहा? कहीं भी। अरे जाने दे बेटी, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वहीं जाएगा जहां इसके कदम ले जाएंगे। Yes!
कैदरमार देश पांडे स्टॉप इट टाइम देखो अभी इधर से निकल जाओ सब लोग बंद करो ये क्या बकवास है ये वॉचमैन तुम मैच में नहीं क्या क्या करते इधर जाओ स्टॉप इट रीना रीना This is to inform that Major Raghav Seth is missing. Seth is missing in action. Presume. Presume dead? Presume dead? मैं गिरीश देशपांडे, ये मेरे बचपन की कहानी नहीं है बल्कि उस एहसास की कहानी है जो मुझे सिखा गई कि जिंदगी में प्यार चाहिए और प्यार के साथ चाहिए संभोग, लेकिन प्यार और संभोग से भी बड़ी है मौत। अंत में जिंदगी, मौत और जश्न के बीच सिर्फ एक खेल है। ये दो फोटो अपलोड ले ले और दो बेबी ले। जीतेगा भाई जीतेगा। ये जीतेगा भाई जीतेगा। ये क्या 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 ये दिखनी भी। ये क्या ये चले चल कुछ चल कुछ चल। नेट बबल है लेक लाइट्स लिए चलो लेट्स गो। ओके गाइस। अरे सुजय ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, इंडिया अगला मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, वो भी अगर वो आज रात जीते तो। एंड द वर्ल्ड कप कैंपेन इज ओवर आफ्टर दैट। देखो द नेक्स्ट बिग स्टोरी इज कारगिल। कारगिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो राइवल चैनल वाले वैसे लोगों को वहां भेज चुके हैं। आई एम प्लानिंग टू गो टू कश्मीर माई सेल्फ। इफ यू मिस द स्टोरी वी मिस द बस। मुझे इंटरव्यू रैप करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें फोन करती हूँ। या वेट फॉर माई कॉल। टीवी से ऑन है, लाइन अप है। आज सुबह से घर का फोन बस बचता ही क्या? ठीक लग रहा है क्या? जरा नीचे कर दो। तो फिर वो लगभग हर टीवी कंपनी, हर अखबार वाले मुझसे मिलना चाहते हैं। अबे थर्माकोल ऊपर करना साला। जी सर। क्या लगता है कौन जीतेगा? जब तक इंजमाम नहीं जाता कोई बात नहीं, इंडिया पे मैं और 1000 लगाया।
You can speak, madam. Please, madam. थोड़ा और चिनअप कर लीजिए. आज कितना खुशी का दिन है. हम जो कल तक इस दुनिया में कुछ नहीं थे, आज तुम्हारे मौत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं. Herculean task. अरे और एक चीज देखो, बाहर पटाखे फूट रहे हैं. शायद क्रिकेट में आज इंडिया भी जीत गया. हर तरफ जीत का माहौल है इस शहर में. लोग घर घर मिठाइयां बांट रहे हैं. और तुम कैसे अपने आप से हार गए राघव? तुम तो इतने कमजोर नहीं थे. तो फिर मिसेस सेठ, हमें ये बताइए कि आपके हस्बैंड ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक अजीब सा दुख. मैं तुम्हारी मौत का गम भी नहीं महसूस कर पा रही हूं राघव. आई मीन मेजर राघव सेठ इस वक्त लापता है. हो सकता है वो शहीद भी हो गए हों. आपके मन में क्या चल रहा है? आपको आपको क्या फील हो रहा है? कल सुबह फिर सूरज निकलेगा, फिर एक नए दिन की लहर एक आदत की तरह आएगी. आर यू फीलिंग numb? अपने साथ तुम अपनी आत्मा, अपने एहसास को भी क्यों ले गए इतनी दूर? अरे नहीं यार, ये लड़की कुछ भी नहीं बोली. आई थिंक शी इज अंडर ट्रेमेंडस शॉक. बस वो कैमरे को देखती रही देखती रही देखती रही. कुछ बात ही नहीं की उसने और वो नहीं नहीं यार, हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं. देखो इसका हस्बैंड लापता है, हो सकता है मर भी गया होगा, हमें क्या मालूम. मुझे लगता है वो जो अगला इंटरव्यू है ना रोमी खान का, वहां हमें ज्यादा मसाला मिलेगा. राघव, मैं ये अधूरा जीवन कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? बस एक बार प्लीज, बस एक बार मेरे लिए ही सही. आ जाओ, वापस आ जाओ. प्लीज कम बैक. अच्छा फिर मोहरी भी ले आई है तू? फ्रेश है क्या मोहरी? हाँ, कितने में दिया आज? हाँ, छह का तीस. मोहरी नंबर रुपए जोड़ी. अरे नहीं, खाना चाहती है पापलेट और भाव बोलती बांगड़े का. अरे लेकिन तेरे पापलेट का साइज भी तो देख, बांगड़े की तरह है ना वो. मतलब पापलेट है, बांगड़ा बांगड़ा है. तूने दिया था? अरे भाई वो जवान भाई काफी दिनों से नजर नहीं आई. कौन जवान? अरे वो ही जो मेरे से बहुत सिंपली ले जाती थी, बहुत हसमुख थी वो. हाँ रीना, 3 महीने हो गए, वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला. बेचारी रीना. मतलब क्या, जैसे आज धीरे धीरे ढलती जाती है वैसे बैट और बॉल ही अच्छा लगता है. तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 36 years 27 days. अरे स्टेफी ग्राफ के थाई देखे थाई.
मैंने कहा सेलर्स हाय 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 हाय। अरे तुम देखो तो जानो ना, तुम्हारे लिए स्टेफी ग्राफ ही अच्छी है। स्टेफी नो मैच। अच्छा देखिए मच्छी वाली मैच करेगी। काय का तुझं काय म्हणणं आहे? सगळे काय तुमच्या सारखे आहेत काय? अरे चलो घर मच्छी बताती हूं। करेक्ट बात। सारी खुशियां थी बाहों में अपनी और खुशियों की बाहों में हम आया चुपके से कैसा ये तूफान आज तन्हा है राहों में हम ये सांसे रुके गोली खा ठक ठक चले हो के दुनिया से हम चले हो के दुनिया से हम चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे भाग ना बांटे करमवा बैरी हो गए हमार ओ सत श्री अकाल जी की गल है रंगा जी आज सवेरे सवेरे दफ्तर जा रहे हो आज इंडिया अफ्रीका है ना बिग मैच ऑफिस से जल्दी कटना है अच्छा जी एक गल है तो चलो मैं तुम्हें आज बस स्टैंड तक छोड़ देना ओ थैंक यू पता है सरदार जी मेरा और तेंदुलकर का एक ही नंबर है लकी नंबर 9 मैं समझा नहीं बस नंबर 9 अच्छा रंगा जी ये बताइए कि ये कौन सा नया कप शुरू हो रहा है अरे कप ऑफ चोरी सरदार जी इट्स अ बिग मैच बिग मैच बैठ जाओ लेकिन कोई ना कोई तो कप होगा ही ना कप 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 डेविस कप डेविस कप लेकिन वो तो टेनिस शेनिस में होता है यार क्रिकेट में भी शुरू हो गया है अच्छा उसमें भी शुरू हो गया सीधा फन हेलो अंकल हेलो अंकल रास्कल्स टू द सेक्रेटरी हैप्पी होम हाउसिंग सोसाइटी डियर सर प्लीज अलाउ स्पेशल परमिशन टू पुट अ टेलीविजन सेट फॉर एवरीवन्स बेनिफिट इन द कोर्टयार्ड सो ऑल पीपल एंड कम्युनिटी कैन एंजॉय द मॉन्यूमेंटल मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका Yours sincerely Girish and Gautam Monumental Uncle World Cup ke baad do great team for the first time Monumental mujhe tum dono ka future monumental nothing lagta hai sab ki tarah nahi uncle yes sab ki tarah to phir kya kar rok tok iska matlab permission granted hey, chalo bande ruk aankh kharab ho jayega thank you uncle ye unhi mein pade ho jaate rascal ma tum bhi na wo kya kehte hai ekdam dho are samjhana mujhe are agar aap leg spin ka grip laga ke leg spin dalte ho to usme kaun si nobel prize jeetne wali baat hai लेकिन वो ही लेग स्पिन का ग्रिप लगा कर बॉल को उल्टा घुमाओ तो उसे गुगली कहते हैं हाँ। और वो ही बॉल सीधा जाए तो फ्लिप हाँ। समझ गई हाँ। रब्बा। हाय रब्बा। बोला कैसे हो तुम रीना कैसी हो तुम ठीक हूं कितने दिन से मैंने तुम्हें मैं समझती हूं अरे रीना तू माला भाभी वो पौधों को पानी देना था ना नहीं तो सूख जाते बेचारे हाँ लेकिन तूने तकलीफ
मैं जिंदा हूं ना। स्वतीश जी, माय गॉड, इतने दिनों के बाद मैं जा रहा हूं। I think it's worth a punt at this stage, but it's easy for me. I'm sitting here. बंधुओं, बस 20 रन की जरूरत है। दो छक्का, दो चौका, मारो सिपाहियों। चुप, उधर देख। हाँ माँ, थोड़ा अकेलापन तो होता है, लेकिन नहीं माँ, नहीं नहीं माँ, मैंने कितनी बार बोला है कि मैं पूना नहीं आना चाहती। क्या रखा है यहां? मेरी पूरी जिंदगी है यहां, मेरी जिंदगी। मां, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। राघव, तुम पहले भी कभी नहीं थे, आज भी नहीं हो। मैं पहले कभी इतनी अकेली नहीं थी। लेकिन आज मैं इतनी अकेली क्यों? क्यों? बंधुओं, दुआ करो, सिंह साहब मारो।
गिर ना जाना यार ऐसे ना मचल जाए ना फिसल गिर ना जाना कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो जाता हर कोई स्टंप्ड मेरी स्टंपिंग हो गई रे हाय स्टंपिंग हो गई रे हाउस दैट हमसे तो कहा था किसी ने जो जीता वही है सिकंदर हारे हम ना कभी कोई बाजी फिर भी क्यों है सर्कस के बंदर जीले तू ये लम्हा जीले कल किसने देखा है रे ये सर कब झुके ये सांसें रुके ये सर कब झुके ये सांसें रुके चले हो के दुनिया से स्टंप्ड स्टंप्ड अल्लाह स्टंपिंग हो गए रे रामा स्टंपिंग हो गए रे ओ पापे स्टंपिंग हो गए ओ गॉड स्टंपिंग हो गए रे हाउ